बेसिक मूवमेंट्स हैं फिंगर्स से लेकर के, वो सारे कराने हैं। पता है क्या होगा, जो भी उंगलियों को चलाने के लिए करना है, ये फ्लेक्सर एक्सटेंशन होता है, हर छोटे होता है, और ये एब्डक्शन छोटे होते हैं, तो इनमें पूरा ग्रोथ नहीं होता बोन का और बाकी चीज़ों का, तो बहुत ही लाइटली लिया जाता है, बिल्कुल स्लाइटली। हाथ बच्चों के हिसाब से रहेगा, अगर हमने उंगली फिंगर्स को होल्ड करना है तो ऐसे करेंगे, देखिए हम बिल्कुल स्लाइट रखेंगे, अब आराम से कर सकते हैं। शुरू में एक बार ये ऐसे मूव करेंगे, इस पर मूव करेंगे हल्का हल्का, इससे सिर्फ ये होगा कि हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं इस जो डेवलपमेंटल एरिया है ना, मसल एज वेल एज बोन दोनों का। एंकल में मूवमेंट अभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि पूरा डेवलप नहीं है, यहाँ पे सात हड्डियाँ होती हैं, हमने इसको खाली मोबाइल रख ला है, और ये देखने अभी दिख रहा है कुछ बच्चों को ये फ्लैट फुट वगैरह के दिखते हैं ज़्यादा चांस, इस टाइप के बच्चों को रखोगे आप मदर हो, इसको हल्का से पकड़ ली, हल्का जोर, ये ऐसे होल्ड करेंगे दूर तक करेंगे तो हाँ एक जगह जोर नहीं लगेगा बच्चे के शरीर पर, है ना। देखिए अभी टाइट करें बच्चे, बेटा हेलो स्लाइटली, जो भी फीजी होगा उसको पता है कि कैसे मूव करना है, है ना। थोड़ा सा ये करेगा इजीली हो जाएगा, पोजिशनिंग हमें हमेशा बराबर रखनी है, बेहतर रखेगा। आप ऊपर से भी होल्ड करके रखोगे अगर बच्चा नहीं वो सपोर्ट कर पा रहा है तो, ऊपर से इजीली होल्ड करके रखो, इसका पूरा ये उठ रहा है ना, उस थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे, धीरे धीरे मूव करेंगे, बच्चा है बता तो पा नहीं रहा, और अच्छी कंडीशन में नहीं तो फिर जरूरत ही क्या थी, है ना। इसको दूर ले जाना, टोटल खाली ये करना है कि हमने अलाइनमेंट बॉडी की ठीक रखनी है, स्ट्रेंथन करना है मसल को, उसकी ताकत बढ़ानी है, ताकि जो डेवलपमेंटल और मस्कुलर वो हो ना ग्रोथ वो अच्छा हो, है ना, कोई डिफॉर्मिटी आगे ना पड़े। बाकी जो चीज़ें हैं आप डॉक्टर साहब से तो मिलते ही रहेंगे, वो देखते ही रहेंगे, सिमिलर बोथ पैर वो जो बोथ लेग्स है ना इक्वल रहेगा, कुछ नहीं सिंपल मूवमेंट्स कराना है, एकदम सिंपल से शुरू करना है। एब्डक्शन एडक्शन किया, फ्लेक्शन एक्सटेंशन किया, छोटा बच्चा है बीच बीच में रुक रुक के कराएंगे, थके नहीं बच्चा, रोए नहीं ज़्यादा, इसका ख्याल रखेंगे। थोड़े दिनों में जैसे ही अब बैठना वगैरह शुरू करेगा, दो तीन महीने अगर लगातार होगा तो बैठना वगैरह शुरू कर देगा ये, बैठना फिर खुद से थोड़ा सा चलना या घिसट के इस टाइप से वो शुरू हो जाता है। तो सारी जो जोड़े हैं ना हमारे, इनको मोबिलाइज रखना है, क्योंकि अभी फ्यूजन बच्चों में हड्डियाँ ज़्यादा होती है, और जब वो आदमी बड़ा हो जाता है तो वो फ्यूज होकर कम हो जाती है, उसके बाद 200-300 से हड्डी होती है। आपने खाली इसको मूवमेंट कराते ही रहना है, एक बार फिजियो करा के चला गया, कम से कम अगर फिजियो प्रॉपर है तो दो बार कराए, एक बार से नहीं, बच्चा है तो इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा, छोटा है ना, दो बार कराएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप अपने जल्दी में करा के जाए, ऐसा नहीं, ना आपने प्रॉपरली कराना है, हाँ जो भी करिए अच्छे से करिए। एक्सेप्ट करें, एडेप्ट करेंगे, पैर को थोड़ा दूर ले जाएंगे, इससे हमारा हिप जॉइंट खुलता है, इसी तरह की मूवमेंट,
इसको होल्ड कर लीजिए, होल्ड कर लीजिए, बिल्कुल स्लेट, हल्का हाथ एकदम रहेगा गहरी। आज पड़े भी मतलब कि हम मूव भी करें कहीं कोई निशान नहीं होना चाहिए दबने का या ऐसा कुछ, कमजोरी ज्यादा है इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। अगर हिप पे मूवमेंट कम है जिससे अभी दिख रहा है स्टिफ कर ले रहे पर ना बच्चा, तो थोड़ा सा हिप की मोबिलाइजेशन कर देंगे ऐसे रहेगा ना। आप डायपर में कराइए ज़्यादा अच्छा होगा, अभी तो मान लीजिए बच्चा ये पहना हुआ है, यहाँ पे हम थोड़ा होल्ड करेंगे एक हाथ से और एक हाथ से यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे, थोड़ा सा हिप की मूवमेंट बढ़ाएंगे, इससे हमारे सिटिंग में और स्टैंडिंग में काफ़ी मदद मिली। ये मूवमेंट होती है, ये हिप की मोबिलाइजेशन होती है, ये हिप जॉइंट लेवल पे ओके अकड़ाएगा। बस हमने ये करना है कि बच्चे को अपनी तरफ से होल्ड करके रखना है ताकि कोई और ऐसा एक्स्ट्रा मूवमेंट ना हो जिससे किसका नुकसान हो, ठीक है। फिर से दोनों पैरों को साथ मिला लेंगे, सिमिलर जितना हमने सिंगल सिंगल पैर पर कराया है वैसे दोनों का भी कराएंगे। इसको पैर को ये डॉर्सल प्लैंटर फ्लेक्शन, फिर नी पे जो मूवमेंट बनता है, देखिए बच्चा पड़ा रहा है ना, कोई बात नहीं थोड़ी देर में छोड़ दे दूंगा क्योंकि होल्ड नहीं कर सकता है बच्चा, मूवमेंट अपने आप परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हिप एक्सटेंड करना, इससे सिटिंग में काफ़ी मदद मिलती है, ये हम करते हैं ना सिटिंग में, स्टैंडिंग में काफ़ी मदद मिली है। अगर आपको जैसे कि लगता है बीच में कोई डिस्टर्बेंस हो रही है या कोई शॉर्टनिंग है, तुरंत डॉक्टर को विजिट करिए, जिस हॉस्पिटल में आप करा रहे हैं वहाँ विजिट करिए, उसमें देर ना करिए, करिए पैर को इस लेवल पे होके यहाँ से आप उस साइड से होल्ड करिए, सिर वाली साइड से जाके। ये पैर की स्ट्रेंथनिंग के लिए अब तक जितना बताया मैंने बताया आपको, और इसकी पोजिशनिंग के लिए एक्सक्यूज मी सर, ट्रंक रोटेट करेंगे, सिंपल मूवमेंट्स जो है ना हमारे शुरू में वही रखना है, जब थोड़ी ताकत आए उसके हिसाब से आगे आप चेंजेस लाओगे या एडवांसेस लाओगे या फिर कहीं ग्रेस वगैरह या कुछ ऐसा होता है जो आपको लगता है कहीं शॉर्टनिंग है या कुछ ऐसा डिफॉर्मिटी बन रहा है, उसके लिए बीच बीच में विजिट करोगे हॉस्पिटल को, दोनों साथ में अभी ये रख नहीं पा रहा, होल्ड करके रखेंगे ना। क्या नाम है आपका? होल्ड करके रखना है, ट्रंक रोटेट नहीं होना चाहिए ना, मतलब खाली ट्रंक रोटेट हो अपर पार्ट ना हो, हाँ तो आप दोनों साइड को हल्का सा पुश करके रखोगे है ना। हाँ ये हमारे हिप जॉइंट का सारे मसल्स इसमें वो होंगे, इसके पहले मैंने जो बताया आपको हिप जॉइंट पे मोबिलाइजेशन जो बताया वो मस्ट, वो होने के बाद ही करें, हाँ जिससे कि हमारा जॉइंट पूरा खुला रहे। स्टैंड कराते या सिटिंग कराते थोड़ी देर तक पकड़ के सपोर्ट करते हैं, जो भी घर का है फैमिली मेंबर, खासकर आप अगर मदर है तो मदर का ही सबसे ज़्यादा ये बनता है, उसको सबसे ज़्यादा पर उसको बच्चे के साथ वो बना रहे हैं ना, दूध भी उसी से मिल रहा है, खाना भी सब कुछ उसी ने देखना है, इसलिए ज़्यादा जरूरी है। उंगलियों को सीधा रखने की कोशिश करेंगे इस तरह से या इस तरह से या ऐसे ना हो, धीरे धीरे खोलिए उंगलियाँ, खोलिए सारी उंगलियाँ खोलते आप एक खोले बाद में सारा धीरे धीरे अपने आप खुल जाएंगे, ये देखिए हम हाथ को थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे, रिलैक्स बाबू, अरे अरे क्या हो भाई, उंगलियाँ छोटी जोड़ों की भी कर सकते हैं, इसमें तीन जोड़े रहते हैं,
ये प्रॉक्सिमल होता है, ये मेडियम होता है, ये डिस्टल होता है, ये तीन बोन होते हैं, तो इन पर मूवमेंट करना जरूरी होता है। लेकिन ये शुरू में नहीं, शुरू में हम तीनों को एक साथ करते हैं, बाद में हम तीनों पे अलग अलग करते हैं। जैसे कि ताकत आना शुरू हो जाता है तब, तो उसके पहले नहीं, जब थोड़ा ताकत आ जाएगा तो वो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए होता है। जैसे कि बच्चा थोड़ा सा ताकत रहेगा तभी तो वो अपना कुछ भी ग्रिप करने का या होल्ड करने का या खोलने की कोशिश करेगा, उस चीज़ के लिए। एक मिनट बेटा, एक मिनट जी, एक मिनट रुक जाइए। सारी उंगलियों को सिमिलर है ना, अलग अलग करेंगे, एक बार बगल से दूर करेंगे, नजदीक लेंगे, एक बार ये सीधा करना, बंद करना, ठीक है। जितनी भी उंगली है सबको, एक चीज का ध्यान रखिएगा, कीजिए दो बार आपके हाथ में, एक बार दो बार। टाइम बेशक नहीं, जितना अच्छे से तकलीफ देना हो बच्चे के लिए या आपको, तो ऐसा ना हो, मैनेज बच्चे के, बच्चे के हिसाब से करना होगा ना। इस बार तो खास कर लिया, तो नहीं हुआ, रिस्ट की मूवमेंट प्रॉपर अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आठ हड्डियाँ बनती हैं, छोटी छोटी यहाँ आठ हड्डियाँ बनती हैं, इसकी मूवमेंट हमेशा ध्यान रखनी है, कैसे करना है, वो करना है, कहीं पे कुछ ऐसा ना हो कि डिफॉल्ट बने या कुछ ऐसा हो, सिंपल मूवमेंट रखना है। देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट कैसे मीडियल और लैटरल डेविएशन, इसको डेविएशन कहते हैं, ठीक है, सुपीनेशन प्रोनेशन, जो हमारी इस जोड़ पे मूवमेंट होती है, इसको भी करते हैं स्लोली, बच्चा पूरा खींच के रखेगा अपनी तरफ से, वो ऐसे रखेगा ना, थोड़ी भी तकलीफ होगी, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने इंतजार करना है, फिर मूव करना है, जब वो धीरे धीरे छोड़े तभी हमने करना है, तो छोड़ेगा, सिंपल इसमें भी उल्टा लिटाते हैं तो सीधा हो जाता है, सीधा से उल्टा नहीं होता, नहीं हो जाता, सीधे से उल्टा नहीं होता, इसमें कंट्रोल लेना है, साइड लाइन में आ जाता है, साइड लाइन में उल्टा नहीं होता, ओके, उल्टे से सीधा हो जाता है, उल्टे से सीधा हो जाता है, वही मैं कह रहा हूँ। सिमिलर इस हाथ में अभी ये लगा हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा दर्द हुआ, मैं उसको टच नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिमिलर मूवमेंट्स इस हाथ में भी रहेगा, हम बिठाने की कोशिश करेंगे। आजा बेटा, आजा 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 आजा, बर्षा बर्षा बर्षा, क्या क्या हुआ, क्या गया आपको, क्या हुआ आपको, क्या हुआ है, जो ऐसे भी जाना पड़ेगा, आप दूर हाथ से पकड़िए, अब हम दिखाएंगे ना इसको, पहले सिर होल्ड करने के लिए ये हमारा पॉइंट होता है, ये जो हमारा दूर है ना, ये जो सिस्टर बोन का एक मस्टर्ड कौन सा प्रोसेस है, ये इसको हम दोनों तरफ से होल्ड करेंगे, ये जो फिजियो होता है वो करता है, आप लोगों को भी बता देगा, बच्चा रोएगा इसमें बहुत ही सॉरी होता है, ऐसे होल्ड करके रखना होता है, अब इसमें ये चाहे रोए कुछ भी करे, हमें ऐसे पकड़ के ही रखना है, दबाव नहीं डालना, खाली ऐसे पकड़ के रखना है, अब वो जितनी भी मूवमेंट्स करेगा, ये जो मसल्स हैं हमारे ना, इनकी मजबूती के लिए हम ये करते हैं, ये सारे मजबूत होंगे, कुछ भी मूवमेंट करेगा तो शरीर भी नहीं आएगा, तो बाद में हल्का थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कराने की कोशिश करेंगे, जैसे कोर्स दिखाने की, कुछ भी ये कराने की, जिससे कि सामने कुछ फोन ही रहे, कुछ और चीज़ें अट्रैक्ट हो उसके लिए,
साइड में मोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है इसको, लेकिन होल्ड नहीं रख रहा है जैसा अभी मैंने उठाया था, होल्ड नहीं रखा इसने। हम खाली ये पॉइंट की पकड़ के रखेंगे थोड़ी देर, लगातार पकड़ के रखेंगे। जब इसको दर्द शुरू होगा तब से ही गिनना, कम से कम 25-30 सेकंड तक उसे होल्ड रखो। हेलो हेलो, क्या हुआ, क्या हुआ आपको? हेलो, अच्छा बाबा नहीं करता मैं, होल्ड करके रखना है थोड़ी सी इसी देर में, रखनी ज़्यादा नहीं रखनी। सेटिंग का मैंने आपको पहले ही बताया, सेटिंग पोजिशन बहुत अहम चीज़। जैसे कि मान लीजिए अगर बैठा भी रहे ना कि सोफे पे बिठा रहे, साइड में दो साइड होते हैं, बच्चा इतना स्पेस तो लेगा नहीं, मोटे पिल्लो रख दिए बीच में, हम बिठा के रखेंगे स्टेबल करके रखेंगे, पीछे कुछ हार लो सीधा है इसका। अभी इसको हम ब्रेस वगैरह या कुछ भी ऐसा नहीं पहना सकते हैं, शरीर इसका बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इसको यहाँ से टेलर ड्रेस डाल दें या हाथ पे ऐसे डाल दें जैसे कि वो पहन के रख, बेशक बनवाए अभी आप उसको ज्यादा देर तक डाल के नहीं रख सकते। ज्यादा देर तक ये पहनता ही नहीं है, एक बार बता रहे हैं मतलब।